एक्सीडेंट दिखेगा तो हम लोग उसको तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। अभी तो चूँकि उस पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, इसका टाइमलाइन जनवरी 31 है, उसके बाद से फुल प्रूफ सारे डिपार्टमेंट के लोग यहीं से मॉनिटर करेंगे और सारा मतलब कंट्रोल यूनिट यही रहेगा, कमांड कंट्रोल सेंटर, इसलिए नाम भी है इसका कमांड कंट्रोल सेंटर है पटना स्मार्ट सिटी के तरफ से। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के कैमरा को इंस्टॉल किया है शहर के चारों तरफ और उसकी मॉनिटरिंग यहाँ से सभी डिपार्टमेंट का जो अपना उनका है, पुलिस वालों का है, ट्रांसपोर्ट का है, ये सब हम लोग यहाँ से मॉनिटर करेंगे। यही है मोटा मोटी। कितने कैमरे लगाए गए हैं अभी तक? 600 कैमरा लग गए हैं, टोटल 2588 कैमरा लगना है। किन किन स्थानों पर लगे हैं जो मुख्यतः? अभी अटल पथ पे है, गंगा पथ पे है और NIT घाट वगैरह पे है और प्लस इधर आपका हाईवे है, रेलवे वाले से पहले है, इनकम टैक्स गोलंबर है, JP गोलंबर है, कारगिल चौक है, गांधी मैदान के पूरे राउंड में भी कैमरा लगा हुआ है। कितनी लागत आई है इसका? टोटल कॉस्ट 250 करोड़ है बजट का। क्या ये 24/7 काम कर रहा है? काम करेगा, जनवरी में ये पूर्ण होगा, उसके बाद सभी डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, उसके बाद से फुल प्रूफ हम लोगों का चलेगा। अभी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन सारा गाड़ियों का नंबर है, रेट्स हैं, जो भी जा रहे हैं, अभी ट्रेन जा रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं, तो इन सब डाटा सेंटर में। और हम लोगों का जो वीडियो वार है ये अभी इंडिया में नंबर वन है पटना का, सबसे बड़ा। कितनी मददगार है पुलिस के लिए? तो बहुत ही मददगार है पुलिस के लिए, कोई भी ऑफेंस होगा तो उसमें डाटा रिकॉर्ड होगा, वो उनको क्लिप मिल जाएगा वीडियो यहाँ से, पुलिस के लिए तो बहुत ही मददगार है। और फेस रिकॉग्निशन कैमरा है, जो भी ऑफेंस करेगा उसका फेस भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा इस कैमरे में, और बहुत क्लियर कैमरा है, बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। पहले सर बिहार पुलिस के द्वारा भी कैमरा लगाया गया था, तो इसके वर्किंग के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा? नहीं, वो 100 कैमरास को मतलब 100 को हम लोग इसमें डाटा ले लिए। इवन हम लोगों का ये भी है कि जो प्राइवेट मॉल्स वगैरह में कैमरा लगा है उसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। अच्छा, तभी ये फुल प्रूफ हो पाएगा प्राइवेट, क्योंकि हर जगह उतना कैमरा लगा हुआ है जो वेस्ट नहीं है, उनका भी IP सिस्टम हम लोग क्रिएट करके यहाँ पर उनका डाटा ले रहे हैं। 100 कैमरा पुलिस वाला जो पहले लगाया हुआ है उनको भी हम लोग यूज कर रहे हैं। रियल टाइम में सर कितने पॉइंट पे एक साथ मॉनिटरिंग हो रही है? 24 पॉइंट है रियल टाइम में, 24 हमारा ये है आपका सेट है, 8 पोर्ट करके है टेक्निकली, जो उसमें हम लोग सब चीज़ कर सकते हैं रियल टाइम। अगर कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट दिख जाता है यहाँ से, वैसी स्थिति में क्या करते हैं आप लोग? एक्सीडेंट दिखेगा तो हम लोग उसको तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। अभी तो चूँकि उस पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, अभी तो 600 कैमरा है, 2528 कैमरा लगना है, इसका टाइमलाइन जनवरी 31 है, उसके बाद से फुल प्रूफ सारे डिपार्टमेंट के लोग यहीं से मॉनिटर करेंगे और सारा मतलब कंट्रोल यूनिट यही रहेगा, कमांड कंट्रोल सेंटर, इसलिए नाम भी है इसका। नहीं, 600 कैमरे पे तो आप काम कर रहे हैं ना? हाँ, 600 कैमरा लगा हुआ है, उसे देखा जा रहा है टाइम टू टाइम, हर डिपार्टमेंट के जिनको अपनी आवश्यकता होती है वो आके देखते हैं, फीड लेते हैं और उस पर अपना मॉनिटर कर रहे हैं।